नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मालवा डायरी में। और आज हम बात करेंगे बड़वानी के इतिहास के बारे में, जिसे निमाड़ का पेरिस भी कहते थे। बड़वानी मध्य प्रदेश के दक्षिण पश्चिमी छोर पर स्थित एक जिला है, जिसकी सीमाएं महाराष्ट्र से लगती है। यह नर्मदा के किनारे बसा एक जिला है। आइए अब इसके इतिहास की बात करते हैं। बड़वानी का नाम दो शब्दों से मिलकर बना है, बड़ तथा वानी, जिसका अर्थ है बड़ यानी बरगदों के पेड़ का वन, जो कि प्राचीन काल में इस नगर को घेरे हुए था। हालांकि बड़वानी को बड़नगर या सिद्ध नगर के नाम से भी जाना जाता था। बड़वानी में आदि मानवों के 5000 साल पुराने प्रमाण हमें पिपरी नामक गांव के पास मिलते हैं, जो कि यहाँ खेती किया करते थे। खेती के इस तरीके को झूम खेती कहते थे, जिसमें वनों को जलाकर खेती लायक भूमि तैयार की जाती है। बड़वानी के इतिहास का पहला प्रमाण हमें महाराज शुभांदु के ताम्र पत्र के रूप में मिलता है, जो कि सन 468 ईस्वी का है। ऐसा माना जाता है कि राजा शुभांदु बड़वानी के स्वतंत्र राजा थे या फिर गुप्त राजाओं के सहायक थे। इतिहासकारों के मत इस पर बटे हुए हैं। राजा शुभांदु के वंश के आगे हमें कोई प्रमाण नहीं मिलते हैं। निमाड़ क्षेत्र वैसे अलग अलग राजवंशों के काल में उनके प्रभाव में रहा है। यहाँ सातवाहन, अभिरास, गुप्त वंश, कालचूरी, वर्धन, चालुक्य, राष्ट्रकूट, प्रतिहार तथा परमार वंश का प्रभाव रहा है। 14वीं शताब्दी में यहाँ सिसोदिया वंश का राज्य स्थापित हो जाता है। इस बड़वानी राजवंश के संस्थापक राजस्थान के गहलोत वंश के थे। यह उदयपुर से यहाँ बेहतर जीवन की तलाश में आए थे तथा यहाँ के कुछ आदिवासियों को हराकर इस क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था। बड़वानी के जिस क्षेत्र पर इन्होंने अधिकार किया था, उसका नाम आवासगढ़ था। ऐसा कहा जाता है कि आवासगढ़ की स्थापना धनक नाम के एक लड़ाके ने करी थी। बड़वानी के सिसोदियाओं के बात करें तो यहाँ पे 51 राणाओं होने की बात कही जाती है। हालांकि सभी 51 राणाओं के नाम या प्रमाण आज उपलब्ध नहीं है। आवासगढ़ आज के बड़वानी से 78 किलोमीटर दूर सतपुरा की एक पहाड़ी पर है। आवासगढ़ के 35वें राणा परसान सिंह थे, जिन्हें दिल्ली के सुल्तान ने हरा दिया था और बंदी बना लिया था। राणा के सामने यह शर्त रखी गई थी कि अगर आप इस्लाम धर्म को अपना लेते हैं तो आपका राज्य आपको वापस दे दिया जाएगा। इसी कारण राणा इस्लाम धर्म अपना लेते हैं तथा इनके साथ इनके 3 वंशज भी मुसलमान हो जाते हैं। हालांकि यह सिर्फ एक दिखावे के लिए ही था। राणा और उनके वंशज सभी हिंदू धर्म के रीति रिवाजों का पालन करते हैं तथा बाद में वह वापस हिंदू धर्म को ऑफिशियली अपना लेते हैं। फिर 41वें राणा चंद्र सिंह 1660 में अपनी राजधानी को बड़वानी की ओर और भी सुरक्षित स्थान पर ले जाते हैं। राणा चंद्र सिंह राणा लिंबाजी के पुत्र थे। इस स्थान का नाम सिद्धनगर यानी आज का बड़वानी था। फिर 1703 से 1823 तक इस क्षेत्र पर मराठाओं का प्रभाव रहता है। बड़वानी का अधिकांश हिस्सा वह अपने अधिकार में ले लेते हैं। फिर भी मराठे कभी बड़वानी से जोत वसूल नहीं कर पाते, क्योंकि यह एक गर्म तथा दुर्गम पहाड़ी इलाका था, जो कि ज्यादातर जंगलों से घिरा हुआ था। फिर 1823 के बाद बड़वानी अंग्रेजों के अधीन आ जाता है तथा बड़वानी अब सिर्फ एक छोटा सा ही राज्य बचता है। 1823 से 1854 तक बड़वानी इंदौर स्थित अंग्रेजों की रेजिडेंसी से नियंत्रित होता था। 1854 के बाद मध्य प्रदेश के गवर्नर जनरल से यह नियंत्रित होने लगा। फिर 1857 में बड़वानी के वीर सपूत भीमा नायक यहाँ अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर देते हैं। भीमा नायक को निमाड़ का रॉबिन हुड भी कहते थे, क्योंकि यह अंग्रेजों से धन लूटकर गरीबों में बांट देते थे। भीमा नायक जी अंग्रेजों की संचार व्यवस्था को ठप करने के लिए उनकी टेलीग्राफ के वायर को काट देते थे तथा अंग्रेजों के ठिकाने को लूट लेते थे। 1858 में यहाँ ठीक एक साल पहले हुई महाक्रांति, जिसे 1857 की क्रांति भी कहते हैं, उसके महानायक तात्या टोपे नर्मदा नदी को पार कर खंडवा आ जाते हैं, परंतु अंग्रेजों को इसकी खबर लग जाती है और उन्हें यहाँ से भागना पड़ता है।
इस कड़ी में खजिया नायक, भीमा नायक और मावासी ट्याटा टोपे को सहयोग देते हैं तथा अंग्रेजों से लड़ते हैं। बड़वानी के एक गांव ढाबा बोली के युद्ध के बाद भीमा नायक और खजिया नायक को अंग्रेज पकड़ लेते हैं तथा 1867 में इन्हें देश निकाला दे दिया जाता है। 29 दिसंबर 1876 के दिन भीमा नायक जी को पोर्ट ब्लेयर में फांसी दे दी जाती है। भारत की आजादी के बाद बड़वानी मध्य भारत का हिस्सा बन जाता है जो कि मध्य प्रदेश बनता है। बड़वानी अपने चूलगिरी स्थित जैन तीर्थ स्थल 52 गजा के लिए प्रसिद्ध है। साथ ही यहाँ पर तीरगोला नाम की एक जगह है जो कि यहाँ के राजा रणजीत सिंह के पुत्र की याद में बनाया गया था। तो दोस्तों ऐसा था बड़वानी का इतिहास। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए तथा आपके सुझाव हमें कमेंट में बताइए और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए।